अल्लाह सुबहानहु व तआला ने फिर फरिश्तों को मनुष्य के निर्माण के बारे में घोषणा की। वास्तव में मैं मिट्टी से एक मनुष्य बनाने जा रहा हूँ, इसलिए जब मैं उसे आकार दे दूँ और उसमें अपनी निर्मित आत्मा फूंक दूँ तो उसके सामने सजदे में गिर पड़ो। सूरह साद आयत 71-72। 40 साल तक मिट्टी से बना पहला मनुष्य एक बेजान आकृति बना रहा। इस दौरान पास से गुजरने वाले फरिश्तों को विस्मय और भय का अनुभव होता था। इबलीस विशेष रूप से अल्लाह की नई रचना के प्रति ईर्ष्या रखता था। वह अक्सर आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी की मूर्ति पर वार करता था। उसे ताना मारते हुए कहता था, तुम कुछ भी नहीं हो। अगर मैं तुम पर हावी हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। अगर तुम मुझ पर हावी हो जाओगे तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। हर बार से मिट्टी के बर्तन जैसी आवाज निकलती थी। इस विवरण का उल्लेख कुरान में किया गया है, जहां अल्लाह सुबहानहु व ताला हमें बताते हैं, उसने मनुष्य आदम को मिट्टी के बर्तनों की तरह खनकने वाली मिट्टी से बनाया। सूरह अर-रहमान आयत 14। फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करते हैं। आखिरकार वह समय आ गया जब पहले मनुष्य में आत्मा फूंकी गई। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने सभी फरिश्तों को ईश्वरीय आदेश जारी किया, जब मैं उसे पैदा कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम उसके आगे गिर पड़ो और सजदा करो। सूरह साद आयत 72। इसके साथ अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी, जिससे उसे जीवन मिला और मानव अस्तित्व की शुरुआत हुई। जब आत्मा उनके पास पहुंची, आदम अलैहिस्सलाम ने छींकते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, सभी प्रशंसा अल्लाह के लिए है। इसलिए उन्होंने अल्लाह की अनुमति से उनकी प्रशंसा की। तब उनके रब ने उनसे कहा, अल्लाह तुम पर दया करे हे आदम। जामियत तिर्मिजी 33-67। जैसा कि आदेश दिया गया था, सभी फरिश्ते अल्लाह सुबहानहु व तआला के आदेश का पालन करते हुए सजदे में गिर गए। तो फरिश्तों ने सजदा किया, उनमें से सभी ने पूरी तरह से इबलीस को छोड़कर उसने सजदा करने वालों के साथ रहने से इनकार कर दिया। सूरह अल-हिज्र आयत 31-32। अब इस आयत में यह आभास मिलता है कि इबलीस एक फरिश्ता था। हालांकि यह भ्रम सूरह कहफ की आयत 50 में स्पष्ट किया गया है, जहां अल्लाह सुबहानहु व तआला कहते हैं, और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इबलीस के। वह जिन्न में से था और अपने रब के आदेश से विमुख हो गया। इस तरह इबलीस अल्लाह के आदेश को अस्वीकार करने में सक्षम था। उसके पास इच्छा की स्वतंत्रता है, जैसे हम इंसानों के पास है। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने इबलीस से पूछा, ए इबलीस, तुम्हें क्या हुआ कि तुम दूसरों के साथ सजदा करने में शामिल नहीं हुए? सूरह अल-हिज्र आयत 32। इबलीस ने अपने घमंड को प्रकट करते हुए अल्लाह के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया और कहा, मैं उससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से बनाया। सूरह अल-आराफ आयत 12। यह कथन न केवल उसके अहंकार को उजागर करता है, बल्कि इस बात का सबूत भी है कि इबलीस जिन्न में से था, न कि फरिश्ते, जिन्हें हम जानते हैं कि प्रकाश से बनाया गया था। इबलीस ने आगे आपत्ति जताई, मेरे लिए यह उचित नहीं है कि मैं उस इंसान को सजदा करूं जिसे तूने काली मिट्टी से गड़ी हुई खनकती मिट्टी से बनाया है। सूरह अल-हिज्र 15:33। आदम के प्रति इबलीस का तिरस्कार उसकी स्वयंभू श्रेष्ठता के कारण उसके बाद के पतन का आधार बना, जो अल्लाह के सबसे पसंदीदा जिनों में से एक था और एक शापित दुश्मन बन गया। अल्लाह सुबहानहू व तआला इबलीस के जवाब से क्रोधित हुए, तो निकल जाओ, तुम वाकई शापित हो। सूरह अल-हिज्र आयत 34। इबलीस ने फिर अल्लाह सुबहानहु व तआला से अपील की, मेरे रब, फिर मेरे अंत को उनके कयामत के दिन तक टाल दे। मेरे रब, क्योंकि तूने मुझे गुमराही में डाल दिया है, इसलिए मैं उन्हें धरती पर अवज्ञा का आकर्षण दे दूंगा और उन सबको गुमराह कर दूंगा सिवाय तुम्हारे चुने हुए बंदुओं के। सूरह अल-हिज्र आयत 36-39-40। तुम उन लोगों में से हो जिन्हें क्यामत के दिन तक मोहलत दी गई है। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने कबूल किया और आगे कहा, यह मेरे पास लौटने का एक सीधा रास्ता है, बेशक मेरे बंदो, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं सिवाय उन लोगों के जो तुम्हारे पीछे चले आते हैं, और बेशक जहन्नम उन सभी के लिए वादा की गई जगह है। उसके साथ दरवाजे हैं और हर दरवाजे के लिए उनका एक हिस्सा तय है। सूरह अल-हिज्र आयत 37-38, 41-44। नए जीवन के उपहार से संपन्न आदम अलैहिस्सलाम
ने खुद को इबलीस और उसके निर्माता के बीच एक आदान प्रदान के बीच पाया।